दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की यहाँ पर क्लास शुरू हो चुकी है, सभी लोग आ जाएं जल्दी से। लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर दें, और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए तीन प्लान उपलब्ध हैं, तीन में से कोई सा भी प्लान खरीद कर आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आज का। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो कौन सी श्रेणी में रखा जाता है यह बताना है आपके लिए। तो चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि प्रोटोजोया। जी हाँ, प्रोटोजोया आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, बिल्कुल सही। अंजलि यादव जी, पुष्पलता जी, संदीप जी, देखिए मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोया श्रेणी में रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? तो किसकी आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी अमीबा बताया उनका राइट आंसर है अमीबा, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए अमीबा जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है तथा इस वंश के सदस्यों को विप्राह अमीबा कहा जाता है, और अत्यंत सरल प्रकार का एक परजीव है जिसकी अधिकांश जातियां नदियां, तालाब, मीठे पानी की झीलों, पोखरों, पानी के गड्ढों आदि में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चप्पल की आकृति का जंतु है? क्वेश्चन नंबर तीन है अपना, यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर यह बताना है। चप्पल की आकृति का जंतु है, तो चार विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। दीपू जी, क्या इसका राइट आंसर? मुस्कान खान जी, अंकुर व्यास जी, विनोद जी, किरण जी, आरवाय जी, राधा नागर जी, संदीप जी। तो यहाँ पर सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका राइट आंसर बी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी जिन्होंने ही बताया है। माला जी, दीपू जी, बी आपके यहाँ पर क्या है? पैरामीशियम, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही है। पैरामीशियम एक जलीय प्राणी है जो चप्पल की आकृति का होता है। इसमें युग्मक केंद्रक के संयोजक के बगैर केंद्रक का पुनर्निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को अंतः मिश्रण कहते हैं। दोस्तों अगर आप भी MPPSC, MP जेल प्रहरी, MPSI, MP पुलिस, MP व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। प्ले स्टोर से भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या फायदे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद आपके लिए इसको लॉगिन करना है। आपके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर से आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप यहां पर चयन कर सकते हैं कि किस विषय की आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आपके लिए यहां पर देखिए क्या है, फ्री लाइव क्लास है, फ्री डेमो क्लास है। जी हां, यहां पर आपके लिए फ्री लाइव और फ्री डेमो क्लास आपके लिए उपलब्ध है, और आपका जो भी यहां पर डाउट होगा उसका यहां पर डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। और यहां पर देखिए फ्री लाइव टेस्ट, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट भी है, और यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी बहुत सारे उपलब्ध हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और आप फ्री लाइव टेस्ट भी है यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं फ्री में, वो भी यहाँ पर। सबसे यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर डाउट होगा तो आप यहाँ पर कमेंट करके टॉप एजुकेटर के माध्यम से, सर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जरूर दिया जाएगा।
यहाँ पर आप लाइव चैट में भी, लाइव के माध्यम से भी, जब लाइव क्लास हो रही है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं सर लोग से क्वेश्चन कि इसमें हमें डाउट है, और टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर पीडीएफ, वो भी फ्री पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब से आपके लिए यहाँ पर फिर आगे चल के आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी आप टेस्ट यहाँ पर करते हैं तो उसका आपके लिए यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड बताया जाता है कि आपके यहाँ पर इतने नंबर आए हैं आपके टेस्ट में और इतने नंबर हैं, और आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि, और यहाँ पर आपके लिए टॉप एजुकेटर के माध्यम से पेपर का एनालिसिस आपके लिए बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि MPPSC, MPSI, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। जो भी व्यापम से संबंधित आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी फ्री है आपके लिए यहाँ पर। तो आज ही आप जो ऐप है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर देखिए फ्री क्लास और प्लस क्लास, इसमें हम अंतर बता देते हैं आपके लिए कि फ्री क्लास है जो, और प्लस क्लास यानी कि जो पेड क्लास है, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड सिलेबस इसमें कवर किया जाता है फ्री क्लास में, और आपके लिए लिमिटेड यहाँ पर टेस्ट हैं, लिमिटेड आपके लिए पीडीएफ नोट्स हैं, और लिमिटेड यहाँ पर डाउट सॉल्यूशन है, किसमें, फ्री क्लास में। लेकिन आपके लिए जो प्लस क्लास है इसमें आपके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए पेड क्लास में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, बिल्कुल कंप्लीट आपके लिए, और अनलिमिटेड यहाँ पर आपके लिए टेस्ट हैं, और अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं आपके लिए, और ऑल डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं वो भी टॉप एजुकेटर के माध्यम से। तो यह अंतर आपका है फ्री क्लास में और प्लस क्लास में। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर अमीबा का प्रचलन अंग है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर और 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे सी के पंकज जी क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, अमीबा का प्रचलन अंग, तो क्या है इसका सही आंसर यह बताना है आपके लिए। और इसका सही आंसर है नेहा जी, श्याम जी, वह आपका विकल्प नंबर सी यानी कि कूटपाद, कूटपाद। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर सी बताया, पुष्पलता जी, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, कूटपाद। और अगला क्वेश्चन है हरा प्रोटोजोया के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है यह बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का, सभी लोग आंसर बताएंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएं, श्याम जी, नेहा जी, सोनम जी, ऋतु जी, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और एक बार शेयर कर दें। और इसका सही आंसर क्या होगा, हरा प्रोटोजोया, प्रोटोजोया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर बताया है इवलीना, इवलीना यहाँ पर डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है, इवलीना जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है, इवलीना को हरा प्रोटोजोया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है यह बताना है, अमीबा, युगलीना, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना यहाँ पर, 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर है युगलीना, जी हाँ युगलीना आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पर पाया जाता है, आंत, गला या अमाशय या फेफड़ा, तो मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है यह बताना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है और 7 का राइट आंसर यहाँ पर रॉबिन शर्मा जी, अंजलि यादव जी, वह आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, आंत, आंत जिन्होंने ही बताया विकल्प नंबर 1, संध्या जी, उनका राइट आंसर होगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोया एक रोगजनक परजीवी है। और अगला क्वेश्चन है
देखिए पैचेस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया है, तो कौन सा है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 8, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर सही आंसर बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, अमीबा या एंट अमीबा या पैरामीशियम ट्रिपैनोसोमा। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 8, पैचेस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर बी। हाँ बिल्कुल सही, बी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर है एंट अमीबा, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा एंट अमीबा। बिल्कुल सही श्याम जी, रोमित जी, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए पेचिस या प्रवाहिका पाचन तंत्र का रोग है जिसमें गंभीर अतिसार की शिकायत होती है और मल में रक्त और संश्लेष्मा आता है। यदि इसकी चिकित्सा नहीं हो की गई तो यह जानलेवा भी हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना यहाँ पर, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोया है। तो क्या है इसका राइट आंसर। माला जी, दीपू जी, रानी जी, मुस्कान खान जी, सी के पंकज जी, आकाश जी, आकाश ठाकुर जी। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोया है, तो कौन सा है, पैरामीशियम, लेस्मेनिया, प्लाज्मोडियम या एंट अमीबा। तो यहां पर आपका राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी विकल्प नंबर सी बताया है उनका राइट आंसर है, यानी कि क्या है राइट आंसर, प्लाज्मोडियम। जी हाँ प्लाज्मोडियम आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या है। यह रोग प्लाज्मोडियम गुण के कारण के प्रोटोजोया परजीवी के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोया है, तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोया है। तो पारु कुशवाहा जी, आकाश जी, आरवा जी, क्या है इसका सही आंसर, सोनम जी। तो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, लिस्मेनिया आपका सही आंसर है। जी हाँ विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा विनोद जी, डी। देखिए यह बीमारी लिस्मेनिया डेनोवानी परजीवी के द्वारा होती है। इसका जीवन चक्र मनुष्यों और बालू मक्खी पर निर्भर करता है। यह परजीवी मनुष्यों के शरीर तथा बाहक बालू मक्खी में ही जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग पैदा करता है, तो निद्रा रोग पैदा करता है तो क्या, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, श्याम गुर्जर जी, मुस्कान खान जी, क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। और निद्रा रोग पैदा करता है, तो आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, बी जिन्होंने भी बताया है, ट्रिपैनोसोमा आपका सही आंसर है यहाँ पर, विकल्प नंबर बी। बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर है। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा एक नामक प्रोटोजोया के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इस मक्खियों के काटने से जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोया है, तो कौन है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 12 यहाँ पर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। ऋतु जी, पारो जी, राधा जी, रानी जी, सोनम जी, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं, क्या है इसका सही आंसर। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोया है, तो देवराज यादव जी यहाँ पर बिल्कुल सही बताया आपने, विकल्प नंबर 1 ई कोलाई आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ई कोलाई। ई कोलाई जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का राइट आंसर क्या है, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए या केवल आक्रमण के लिए।
क्वेश्चन नंबर 13 और 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्या है इसका राइट आंसर यह बताना है आप लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही सी, जो नहीं बताया उनका राइट आंसर भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए, बिल्कुल सही सी यहां पर राइट आंसर है आपका। देखिए अमीबा तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्थिर मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। चार विकल्प हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, क्या है इसका राइट आंसर, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। लुई पाश्चर, रोनाल्ड रॉन्स या डार्विन या मेंडल। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। हर्ष पांडे जी, नेहा शुक्ला जी, सोनम पांडे जी। तो चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने और यहां पर राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही बी, जिन्होंने ही बताया उनका राइट आंसर है, यानी कि रोनाल्डो रॉन्स आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, जिन्होंने ही बताया उनका सही आंसर है। देखिए रोनाल्डो रॉन्स, इन्होंने एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता है और इनका जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मीड़ा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्हें और इन्होंने चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। तो रोनाल्डो रॉन्स को जो नोबेल पुरस्कार है कब प्रदान किया गया था, तो 1909 में। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, तो क्या किया जाता है उपहार स्वरूप भेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना यहाँ पर और चार विकल्प भी दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। अंजलि जी, आकाश जी, अंकुर व्यास जी, श्याम जी। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 15, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, तो क्या भेंट किया जाता है यह बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर यहाँ पर है आपका विकल्प नंबर सी, जिन्होंने ही बताया है वह आपका राइट आंसर है, यूप्लेक्टेला। जी हाँ दोस्तों, यूप्लेक्टेला आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही सी, बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं सी आपका राइट आंसर है। यूप्लेक्टेला को वीनस के फूलों की डालियां कहा जाता है, इसकी सुंदरता के कारण इसका उपयोग सजावट के काम में किया जाता है। ये जापान में लोगों को उपहार स्वरूप उपहार के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीनस के फूलों को डालियों के नाम से जाना जाता है, तो क्या है इसका राइट आंसर। वीनस के फूलों की होगा यहाँ पर, डालियों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना 16 और 16 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा यह बताना है, तो आपका राइट आंसर है यूप्लेक्टेला, यह है आपका सही आंसर विकल्प नंबर डी, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चार विकल्प भी दिए गए हैं, तो सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विनोद जी, देवराज जी, मुस्कान खान जी, रेखा जी, आर वाई जी, रेणु जी। क्वेश्चन नंबर है अपना 17, सूर्य जी। तो स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, चार विकल्प दिए गए हैं और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर क्या है, अस्थियां, विकल्प नंबर एक, जिन्होंने ही बताया उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, तो अब बड़ा छिद्र बताना है क्या कहलाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ए, तो क्या है इसका सही आंसर। और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लें, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। और अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वह अस्कुलम, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी, जिन्होंने ही बताया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बी बता रहे हैं, अंकुर व्यास जी, पारू जी, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अस्कुलम आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है अपना यहाँ पर, देखिए क्या है, स्लेंटरेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 19
और 19 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। सिलेंट्रेटा संघ को यानी किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर अपना और रानी जी, भागवती जी और श्याम जी, दीपू जी, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर होगा निडेरिया। निडेरिया आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है निडेरिया। सूर्या जी बिल्कुल सही, निडेरिया आपका सही आंसर है। सिलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लूकार्ट ने, किसने किया था, लूकार्ट ने, कब, 1847 ईस्वी में। और इस संघ में लगभग 9500 जातियां हैं। ये बहुकोशीय प्राणियों में निम्न स्तर के जंतु हैं, इनमें अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं और इनका नया नाम निडेरिया है, निडेरिया याद रखना है। निम्न में ऐसे किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना। यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 अपना यहाँ पर क्या है इसका सही आंसर। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। माला जी, मुस्कान जी, दीपू जी, सीके पंकज जी, आकाश जी, राधा जी, ऋतु जी, क्या होगा इसका राइट आंसर अपना। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, तिलचट्टा, केंचुआ, हाइड्रा, कंगारू। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि हाइड्रा। हाइड्रा यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। देवराज जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है हाइड्रा। देखिए जलव्याल हाइड्रा जो है निडेरिया संघ का जंतु है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है तथा इनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर लोकेंद्र धाकड़ जी, देखिए क्या अगला क्वेश्चन। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है, चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे। रेखा वर्मा जी, श्याम जी, संदीप जी, क्या है इसका सही आंसर। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोरल रीफ। तो यहां पर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यहां पर राइट आंसर होगा सिलेंट्रेटा। आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, सिलेंट्रेटा आपका यहां पर सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है, रानी जी हाँ, हाइड्रा का प्रचलन अंग है तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने तो सभी लोग आंसर बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है तो कौन सा है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 आकाश जी, माला जी और दीपू जी, दीपू बघेल जी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, टेंटेकल्स आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। ब्रजेश जी बिल्कुल सही, सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है यह बताना है आपके लिए। प्रवाल क्या है, एक वन काष्ट, एक समुद्री जीव, एक जड़ी बूटी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 अपना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो क्या है इसका सही आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 23, प्रवाल क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वह विकल्प नंबर बी। यहाँ पर जो भी बता रहा है उनका राइट आंसर है यानी कि एक समुद्री जीव। जी हाँ विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, समुद्री जीव है प्रवाल। देखिए प्रवाल भित्तियां या प्रवाल सेल श्रेणियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। वस्तुतः इन छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं और यहाँ पर साधारणतः प्रवाल सेल श्रेणियां उष्ण एवं उथले जलभों सागरों विशेषकर प्रशांत महासागर में स्थित अनेक उष्ण तथा उपोष्णीय देशीय द्वीपों के समीप में बहुतायत से पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या है, देखिए जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, हाइड्रा या फाइलेशिया, आरिलिया या मैट्रिडियम। चार विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर अपना 24।
क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर मुस्कान जी, संदीप जी, दीपू जी, भागवती जी, आकाश, अंकुर जी, तो यहाँ पर जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है आरिलिया, यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है आरवाई जी, बिल्कुल सही, सी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। जेलीफिश हर समुद्र में सतह से समुद्र की गहराई तक एक पाए जाते हैं, कुछ हाइड्रो जो आई जेलीफिश या हाइड्रो हाइड्रोमेडियू से ताजा पानी में भी पाए जाते हैं, मीठे पानी की प्रजातियां व्यास में एक इंचे बिरंग होती हैं और डंक नहीं मारती हैं। अगला क्वेश्चन है अपना समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है क्वेश्चन नंबर 25 से अपना यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है, क्या है इसका सही आंसर, संदीप जी, आकाश जी और तूफान सिंह जी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मुस्कान जी, वह विकल्प नंबर डी यानी कि मैट्रिडियम आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने ही बताया उनका सही आंसर है मैट्रिडियम, समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है मैट्रिडियम, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुर्तगीज मैन ऑफ बार के नाम से जाना जाता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 है क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 सभी लोग बताएंगे और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, संध्या जी, दीपू जी, पारो जी, राधा जी, अंकुर व्यास जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक में आपका क्या है फाइसेलिया, यहाँ पर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है फाइसेलिया, याद रखना है यहाँ पर, देखिए फाइसेलिया को सामान्यतः पुर्तगीज मैन ऑफ बार भी कहा जाता है, हाइड्रो जोया वर्ग का जंतु है। अगला क्वेश्चन है अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो बताइए किसमें, स्पंज, हाइड्रा, केंचुआ, तिलचट्टा, क्वेश्चन नंबर अपना 27 है यहां पर क्या है इसका सही आंसर, राहुल जी, तूफान सिंह जी, मुस्कान खान जी, राहुल सूर्यवंशी जी, माला जी, पारो जी, सोनम पांडे जी, तो यहां पर आपका राइट आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि हाइड्रा, जी हाँ दोस्तों हाइड्रा आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी जिन्होंने ही बताया उनका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी बी होगा यहाँ पर सही आंसर, देखिए हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थिति होती है तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्या है, देखिए चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, 28 क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है क्या है इसका सही आंसर, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, चार विकल्प दिए गए हैं तो सभी लोग आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर है अपना 28, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर एक, जो भी बता रहा है उनका सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है, क्या है देखिए प्लेटी हेलिमंथीज आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। आप आज ही अन अकेडमी डाउनलोड कर लें, अन अकेडमी ऐप बहुत ही आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आप खरीदते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक देखिए वर्चुअस नामक एक पत्रिका है जिसमें आपको फ्री में मिलती है प्लस क्लास में, इसके माध्यम से आप समसामयिक की पत्रिका के माध्यम से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरा करंट अफेयर, और इसके माध्यम से देखिए यहाँ पर बहुत सारे बैच कोर्स अभी चालू हैं चल रहे हैं, आप देख सकते हैं एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी व्यापम से संबंधित सभी यहाँ पर बैच चालू हैं, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं
MPSIBH कोर्स जो है 3 नवंबर से है चालू चल रहा है अभी है, और MPSI जो फाउंडेशन बैच है भी है 4 नवंबर से। यहाँ पर बहुत सारे बैच कोर्स हैं। फिर इसके बाद हम आपके लिए यहाँ पर बता दें कि एडमिशन फीस जो है आपके लिए, इसमें हम एक कोड बताएंगे, अगर आप खरीदेंगे तो आपके लिए यहाँ पर 10% ऑफ में मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपके लिए हम बता दें कि यहाँ पर देखिए, अगर आप जो एडमिशन फीस है यहाँ पर देखिए, 1 महीने की यहाँ पर जो फीस दी गई है वह 1600 रुपये दी गई है। कितनी 1600 रुपये। अगर आप सुमित जैन, जो आपके लिए रेफरल कोड दिख रहा होगा सुमित जैन, अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर 10% ऑफ में टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। तो यानी कि 1600 रुपये में आप 10% आपके लिए ऑफ में मिलेगा, तो 1440 रुपये की आपके लिए सीरीज मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए, 3 महीने का है यहाँ पर कोर्स, 4000 रुपये का। अगर आप सुमित जैन रेफरल कोड यूज करते हैं तो 3600 रुपये का आपके लिए कोर्स मिलेगा, 10% ऑफ में है। और 6 महीने का है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7200 रुपये का है। अगर आप सुमित जैन जो कोड है इसको यूज करेंगे तो यह आपका है 6480 रुपये का। और यहाँ पर देखिए, 12 मंथ का है आपका, 12 महीने का आपका 8800 रुपये का। और ये कूपन कूपन जो कोड है, इसको कोड है, इसको यूज करेंगे तो 7920 रुपये का है। और यहाँ पर देखिए, 24 महीने का है यहाँ पर कोर्स, 12800 रुपये का। लेकिन अगर आप सुमित जैन जो रेफरल कोड है इसको यूज करेंगे, 10% ऑफ में पाएंगे और 11520 रुपये में यह आपके लिए कोर्स मिल जाएगा 24 महीने का। मगर आपके लिए यहाँ पर याद रखना है क्या है, सुमित जैन जो कोड है, रेफरल कोड है, इसको यूज करना है, तभी आपके लिए यहाँ पर 10% ऑफ में सीरीज या कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। तो आज ही आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो के, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, बहुत सारे आपके लिए यहाँ पर फायदे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर देखिए क्या है कि फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। लवकुश जी, तूफान सिंह जी, रानी जी, राहुल जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? आरवा जी। क्वेश्चन नंबर 29 है, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि प्लेटी हेलिमंथीज आपका सही आंसर है। जी हाँ, प्लेटी हेलिमंथीज जिन्होंने बताया उनका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए कि निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, मधुमक्खी, केंचुआ, फीता कृमि, रेशम कीट। 4 विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 30 से अपना, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। सविता जी, अंकुर जी, कि निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो कौन नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, फीता कृमि। जी हाँ, फीता कृमि जिन्होंने ही बताया उनका राइट आंसर है फीता कृमि। फीता कृमि देखिए, फीता कृमि एक अमेरुदंडी परजीवी है और रुणधारी प्राणियों जैसे मानव के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में निवास करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें सभी लोग, और जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए PDF उपलब्ध कराई जाती है। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। और आपके लिए क्या है, जिसने भी सेल्फ स्टडी क्लासेस एप्स जो है अपना डाउनलोड नहीं किया है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी क्लासेस, तो आपके पास एक ऐप आएगा सेल्फ स्टडी वाला, तो उसमें आपके लिए MPGK की बहुत सारी PDF हैं, तो वहां से आप भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, पुष्पलता जी, तूफान सिंह जी, राधा जी, ब्रजेश जी, रितु जी, मुस्कान खान जी, सोनम पांडे जी, दीपू बघेल जी, संदीप जी, सूर्या जी, आकाश जी,
सूर्या जी, हाँ पुष्पलता जी। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। वीरेंद्र जी, ऋतु जी, आरवा जी और राधा जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। सी के पंकज जी, आकाश जी, माला जी और रेखा वर्मा जी, अंकुर व्यास जी, सविता जी, मुस्कान खान जी, दीपू बघेल जी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एग्जाम जेल प्रहरी के आपके जो हैं 20 से 29 आपके इतने इतने बीच में आपके एग्जाम हैं, 20 से स्टार्ट हैं 29 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे।